दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों अगर आपके घर में टॉयलेट में इंडियन सीट पहले से इंस्टॉल है और वहाँ पे इंडियन सीट के पास कोई भी कमोड का पॉइंट नहीं बना है और आप वहाँ पे इंडियन सीट के पास में ही कमोड को इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इंडियन सीट के पास एक कमोड का पॉइंट बना के एक कमोड को इंस्टॉल करने वाले हैं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए हम आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे टॉयलेट में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से एक इंडियन सीट इंस्टॉल है, यहाँ पे कोई भी कमोड का पॉइंट नहीं बना है। पहले हम यहाँ पे कमोड का पॉइंट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कमोड को इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको कमोड को इंस्टॉल करने वाले हैं और यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे। रखने के बाद इसकी मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे इसके टाइल्स को काट के यहाँ पे एक इंडियन सीट से ही एक कमोड का पॉइंट बनाएंगे। हम यहाँ पे टाइल्स को तोड़ना स्टार्ट कर लेते हैं। ये जिसके घर में हम काम कर रहे हैं, इनका मकान अपना नहीं है, रेंट पे है, तो इसीलिए इन्होंने ये कहा है ना इसमें ज़्यादा तोड़ फोड़ होना चाहिए ना ही ज़्यादा इसमें खर्च आना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक ऐसे जुगाड़ से पॉइंट बना के यहाँ पे एक इंडियन सीट को इंस्टॉल कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। आपको यहाँ पे सामने सीट भी नज़र आ रही होगी। इस सीट के अंदर हम यहाँ पे 2 इंच का एक होल काटेंगे और यहाँ पे आपको सीट के अंदर यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा, ये हमारे पास ग्लेंडर मशीन है, इसी के ज़रिए से हम यहाँ पे इस सीट के अंदर होल कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सीट के अंदर 2 इंच का होल कर लिया है, यहाँ पे होल को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसकी पाइप की फिटिंग करेंगे। ये हमारे पास 2x4 की रिड्यूसर एल्बो है, इसी एल्बो के ऊपर हम यहाँ पे कमोड को इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे पास 2 इंच का पाइप है, इस पाइप को हम यहाँ पे 2 इंच के एल्बो में यहाँ पे फिट कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंडियन सीट के अंदर से इसे कनेक्ट कर देंगे। यानी कि ये सीट जो है 2-in-1 सीट बन गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आपको इसके अंदर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर होल देख लिए कितने अच्छी तरीके से हमने इसके होल को कट करा है। इसके अंदर बिल्कुल हल्का हल्का ग्रुप नज़र आ रहा है। इस ग्रुप के अंदर हम एमसील और यहाँ पे श्रीमिल से मसाला बना के इसमें भर देंगे। हम यहाँ पे 2 इंची का इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा गड्ढा भी ना करना पड़े, ज़्यादा फ्लोर उठाना भी ना पड़े, इसीलिए हमने यहाँ पे 2x4 की एल्बो को यूज़ किया है ताकि 4 इंची एल्बो के अंदर हमारी कमोड इंस्टॉल हो जाए और 2 इंची का पाइप हमारा फर्श के अंदर आसानी से दब जाए। अब यहाँ पे सीट को पहले यहाँ रख लेंगे। रखने के बाद जिस भी डायरेक्शन में हमें सीट को इंस्टॉल करना है उसे अच्छे से रख के यहाँ पे कच्चा मसाला लगा देंगे, फिर इसके बाद इसको पक्का करेंगे। हम यहाँ पे मसाला बनाना स्टार्ट कराते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 एक का मसाला बनवाया है। याद रहे आप कहीं कभी बाथरूम में पानी की जगह पे मसाला लगाएं तो वहाँ पे पहले घोला डाल लें और घोला डालने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ मोरंग और श्रीमिर्च का ही मसाला लगाना है। यानी कि जो लाल वाली जो मोरंग होती है उसी मोरंग का ही मसाला आपको लगाना है। उस मोरंग में आपको बालू ज़रा सा भी नहीं लगाना है। अगर आप बालू लगा देंगे तो आपका मसाला कच्चा रहेगा, वो पक्का नहीं होगा, वहाँ से लीक करता रहेगा। हमने यहाँ पे 3 मोरंग यानी कि 3 हिस्से मोरंग लिए और 1 हिस्सा सिरमिट लिए। हमने यहाँ पे 3 एक का मसाला बनवाया है। इस मसाले को बना के हमने यहाँ पे कच्चा करा दिया है और यहाँ पे इस कुछ इस तरीके से यहाँ जो हमने टाइल्स तोड़ी थी इसे भी हम रिपेयर कर देंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन सीट के पास में एक हमने कमोड के पॉइंट को बना के रेडी कर दिया है और हम यहाँ पे इंडियन सीट के अंदर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे पॉइंट में हमने थोड़ा सा पाइप को बाहर रखा है ताकि इसका जो भी मलबा होगा, जो भी गंदगी होगी वो डायरेक्ट पॉइंट के अंदर गिरेगी। इस पॉइंट के बनाने से ये इस इंडियन सीट जरी से भी गंदी नहीं होगी। चलिए हम यहाँ पे आपको कमोड को इंस्टॉल करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमने पहले श्रीमिंट को बनवा लिया है। इस श्रीमिंट के ऊपर इस कमोड को हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख देंगे ताकि ये कमोड अच्छे से ये फिट हो जाए। ये कमोड हमारी बैठ चुकी है, इसके साइडों में जो भी ग्रुप था उस ग्रुप को भी हमने भर दिया है। ये हमारी कमोड इंस्टॉल हो चुकी है। हम यहाँ पे आपको दोनों सीट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शख्स इंडियन सीट को यूज़ करना चाहेगा तो वो इंडियन सीट को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकता है। अगर जो शख्स कमोड को यूज़ करना चाहेगा
तो वो कमोड को भी बहुत ही आसानी से यूज कर सकता है। अब ये यहाँ पे हमारी कमोड की फुल तरीके से फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कमोड के ऊपर हमने यहाँ पे एक सिस्टम को भी इंस्टॉल कर दिया है। अब हम यहाँ पे आपको पाइपलाइन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे गीजर से एक हॉट वाटर की लाइन ले ली है, ये आशीर्वाद की 1.25 इंची की CPVC लाइन डाली है, और यहाँ पे हमने एक एंगल वॉल से एक कोल्ड वाटर की लाइन ले ली है। नीचे हॉट वाटर की लाइन है और ऊपर कोल्ड वाटर की लाइन है। नीचे की हॉट वाटर की लाइन में हमने यहाँ पे टी लगा के एक हिल्फो सेट को फिट कर दिया है, और ऊपर कोल्ड वाटर की लाइन में एक बॉल वॉल को लगा दिया है। बॉल वॉल को हमने हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को मिक्स करने के लिए लगाया है। एक बार हम आपको इसके सिस्टम को यूज करके भी दिखा देते हैं किस तरीके से इसका सिस्टम काम कर रहा है और ये कैसी कमोड काम कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसके फ्लश को पुश कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये फ्लश काम कर रहा है, और इसका जो ड्रेनेज लाइन जो है यानी कि इसका जो मलबा है आप इस तरीके से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये इसके अंदर सिट के अंदर गिरेगा। दोस्तों आप सब लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप भी हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक चलते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।